हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिता किचन्स। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और यूनिक सी रेसिपी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब करें। चलिए इस मजेदार रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी स्नैक्स रेसिपी। मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ पोटैटो पोहा कबाब, जो बहुत टेस्टी बनता है, बनाना बहुत आसान है। अगर आपके घर कोई मेहमान आ गया या फिर छोटी मोटी भूख लगी हो तो आप इसे क्विकली बना के रेडी कर सकते हैं। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। पोहा पोटैटो कबाब बनाने के लिए सब्जी को बारीक चॉप कर लिया, साथ ही ले लिया उबले हुए आलू। मैं आलू को अच्छे से कद्दूकस कर लिया ताकि अच्छे से क्रश हो जाए, तो आलू को हाथ से भी मैश कर सकते हैं, इसे मिक्स करने में आसानी हो। साथ ही यहाँ ले लिया है पोहा। हमने एक कप पोहा के लिए 2 से 3 आलू का यूज किया है। हम पोहा को भिगा देंगे, इन्हें अच्छे से साफ कर लेंगे। ये अच्छे से भिगोने के बाद हम छान लेंगे पोहे को। हमें इस तरह से छान लेना और छानने के बाद हल्के हाथों से इन्हें दबा देना है ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी हो वो निकल जाए। करते हुए दबाते हुए हम छान लेंगे ताकि पानी ना रहे और अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और आप देखते हैं बिल्कुल पानी अच्छे से छन चुका है। इन्हें निकाल लेंगे, इन्हें ऐसे ही करते हुए हल्का सा सॉफ्ट कर लें। पोहे को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें डाल देंगे उबले हुए आलू जिन्हें हमने अच्छे से क्रश कर लिया था। इन्हें मिक्स कर लें। ये सारे सब्जियों को इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही इसमें डाल देंगे शिमला मिर्च, कॉर्न, कॉर्न को हमने हल्का सा बॉयल कर लिया था, प्याज, हरी मिर्च, अदरक और गाजर। प्याज का यूज आप अपने अनुसार थोड़ा सा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। प्याज थोड़ा ज़्यादा डालने से बहुत ही क्रंची लगता है और टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। और साथ ही यहाँ डाल देंगे धनिया पत्ता, डाल देंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ा सा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ डाल देंगे हल्दी, हल्दी का यूज आप थोड़ा सा कम करें। लाल मिर्च डाल देंगे 1 चम्मच। आधा चम्मच यहाँ डाल देंगे गरम मसाला। आधा चम्मच डाल देंगे जीरा पाउडर। और टेस्ट को ज्यादा बढ़ाने के लिए डाल देंगे यहाँ आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर। साथ ही डालेंगे थोड़ा सा नींबू का रस, नींबू को अच्छे से निचोड़ लें। अच्छी बाइंडिंग के लिए डाल देंगे कॉर्नफ्लोर 2 चम्मच। और इन्हें डालने के बाद इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। और आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है। चलिए अब इनका कबाब बना लेते हैं। और कबाब बनाने के लिए हाथों पर इस तरह हल्का सा तेल लगा लेंगे और छोटा छोटा इन्हें लेकर ऐसे ही करते हुए गोल कर लेंगे। और कबाब का शेप देने के बाद इन्हें ऐसे ही करते हुए गोल कर लेंगे। और आप देख सकते हैं ऐसे ही करके हमने अपने सारे कबाब बना के रेडी कर लिया है। और कबाब को बनाने के बाद हमने यहाँ ले लिया है ब्रेड क्रम्स। हमने ब्रेड क्रम्स को घर पे बनाया है। धीरे धीरे करके इन सबको इसमें कोट कर लेंगे। आप इन्हें अच्छे से घुमाते हुए इस पर अच्छे से इसकी कोटिंग कर लें। ऐसे ही करते हुए सारे कबाब को अच्छे से कोट कर लेना है। यकीन मानिए बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। ऐसे ही करके हमने सबकी कोटिंग कर ली है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। और इसे फ्राई करने के लिए हमने यहाँ रख दिया पैन, इसमें डाल देंगे तेल और इन्हें अच्छे से गर्म करेंगे। आप चाहे तो डीप फ्राई कर सकते हैं, हम यहाँ सेलो फ्राई करेंगे। तो तेल अच्छे से गर्म कर लेना है। इसलिए तेल भी अच्छे से गर्म हो गया है, इन्हें ऐसे ही करते हुए डाल देंगे। आप चाहे तो थोड़ी और कम तेल में आप तवे पे भी इसे फ्राई कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं हल्का सा फ्राई हो गया, इन्हें ऐसे ही करके पलट देंगे। एक बार की टिक्की फ्राई करने में 8 से 10 मिनट लग जाता है। अच्छे से फ्राई हो गया, इन्हें निकाल लें। ऐसे ही करते हुए सेकंड बैच भी डाल देंगे। इसे अपने बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। और जब भी उनके लिए बनाना हो तो आप मिर्ची को स्किप कर दें। और आप देख सकते हैं सेकंड बैच भी अच्छे से फ्राई हो गया, इन्हें भी निकाल लेंगे। सकते हमारे परफेक्ट कबाब बन के रेडी हो गया, तो चलिए फटाफट इन्हें सर्व करते हैं। और इसे सर्व करने के लिए हमने यहाँ लिया है हरी चटनी। आप हरी चटनी या सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और इन्हें ऐसे ही करते हुए हम सर्व करेंगे। आप इन्हें अपने अनुसार हरी चटनी, तीखी चटनी या सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा टेस्टी बनता है, बनाना बहुत आसान है, आप इसे कभी भी ट्राई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं क्विक और इजी कबाब बन के रेडी हो गया। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाली हर रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। मिलते हैं ऐसे ही एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। आप भी इसे ट्राई करें और एंजॉय करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो कमेंट करें। आप इस इजी रेसिपी को एक बार ट्राई करेंगे तो हर रोज जरूर बनाएंगे।